नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस कॉर्नर में। मैं आपके साथ विजयन शुक्ला। दोस्तों आज हम जुड़ेंगे द हिंदू के एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन के साथ। द हिंदू का एक हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, बड़ा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ज्वलंत मुद्दा पिछले 5 सालों से रहा है। आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 जो कि जम्मू कश्मीर को लेकर स्पेशल प्रोविजंस करता है, तो इसको लेकर एक आर्टिकल आया है, द हिंदू का ये आर्टिकल है। इस अनुच्छेद 370 को लेकर बहुत सारी बहस है। कुछ लोग बोलते हैं कि इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं इसको बना रहना चाहिए। सबके अलग अलग आर्गुमेंट हैं, अलग अलग बहस है और ये बहस चलती रहती है। तो हम बैकग्राउंड बता देते हैं कि भारतीय संविधान का पार्ट 21 भाग 21 में अनुच्छेद 370 का प्रावधान है और अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है, जिसमें कि भारत का जो संविधान है वो जम्मू कश्मीर का संविधान भारत के संविधान से अलग है। जम्मू कश्मीर का अपना फ्लैग है, झंडा है। जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे विलय पत्र पर महाराजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए थे नेहरू और पटेल के सामने, तो यह तय हुआ था कि जो केंद्र सूची के जो विषय होंगे उसमें से डिफेंस को लेकर, एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय, विदेश, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन के जो विषय होंगे ये राज्य के विषय केंद्र के पास होंगे, इसमें राज्य की शक्ति नहीं होगी, ये मामले केंद्र के पास होंगे और बाकी जो केंद्र की लिस्ट है उसके जो सारे मामले होंगे उस पर राज्य अपना कानून बना सकता है, लेकिन जो केंद्र की लिस्ट होगी उसमें से जो 3 मामले हैं, डिफेंस का, एक्सटर्नल अफेयर का और कम्युनिकेशन का, संचार का, इस पर नियंत्रण केंद्र का होगा। इसको लेकर अनुच्छेद 370 संविधान में शामिल किया गया। लेकिन इसके बाद वहां पे संविधान सभा का गठन हुआ जम्मू कश्मीर में। जिस तरीके से भारत का संविधान लिखने के लिए भारत के लोगों के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था, इसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर का संविधान लिखने के लिए जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इसके बाद 1954 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया। इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 35A शामिल किया गया और जो स्पेशल प्रोविजंस का, स्पेशल स्टेटस का जो प्रोविजन था अनुच्छेद 370 के माध्यम से, इसके दायरे का और विस्तार किया गया। इसके बाद समय समय पर बहुत सारे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आए और जिसमें जो देश का संविधान था इस संविधान के बहुत सारे प्रोविजंस जम्मू एंड कश्मीर पर लागू कर दिए गए। अभी एक मार्च को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आने के बाद जो भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, इसको लेकर सरकार ने भी एक संविधान संशोधन किया था, 103वां संविधान संशोधन, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके माध्यम से जो अनारक्षित वर्ग है, इस अनारक्षित वर्ग को, अनरिजर्व वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया शिक्षा में और सरकारी जो शैक्षिक संस्थाएं हैं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। तो 1 मार्च को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से इसका विस्तार जम्मू एंड कश्मीर पर भी कर दिया गया। इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई और बात की गई कि जो है भारत सरकार जो है समय समय पर आर्टिकल 370 का मजाक उड़ाती है, इस पे आघात करती है, ऐसा आजादी के बाद से हो रहा है। तो जो ये आर्टिकल लिखा गया है ये 370 पर आघात को लेकर लिखा गया है कि समय समय पर किस तरीके से अनुच्छेद 370 पे आघात हुआ, तो उसके बारे में हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे। अभी हमने बैकग्राउंड डिस्कस किया कि 377 का एंड प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का क्या बैकग्राउंड था। अब हम आर्टिकल पे आते हैं। आर्टिकल में बात की गई है कि इस समय जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। अभी गवर्नर की सहमति से अनुच्छेद
अभी गवर्नर की सहमति से जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं, गवर्नर की सहमति से एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया। इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से संविधान का जो 103वां संविधान संशोधन है इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए, इसका विस्तार जम्मू एंड कश्मीर पर कर दिया गया। कहा जा रहा है कि दो ऐसे मामले हैं जब इस पर बड़ा आघात हुआ, स्पष्ट रूप से क्लियरली रूप से देखा जा सकता है। अभी जो 1 मार्च को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया, इसमें 170वां संविधान संशोधन 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दो संविधान संशोधन को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से लागू कर दिया गया। जो 170वां संविधान संशोधन था, 170वां संविधान संशोधन एससी एसटी को प्रमोशन में आरक्षण से जुड़ा हुआ था और 103वां संविधान संशोधन इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को 10% रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है। इसको लेकर 18 मार्च को इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के खिलाफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में अपील दाखिल की गई। बात की जा रही है कि इसका जो जम्मू कश्मीर और राज्य के जो इसके बाद जब यू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया 1 मार्च के बाद, इसके बाद केंद्र संघ या केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर को लेकर एक दोबारा से बहस छिड़ गई कि जम्मू कश्मीर में जो अनुच्छेद 370 है, अनुच्छेद 370 को लेकर जम्मू कश्मीर की ऑटोनॉमी को लेकर एक फिर से आर्टिकल 370 की रिलेवेंसी को लेकर एक बहस छिड़ गई। कहा जा रहा है कि जो आर्टिकल 370 था पार्ट वन में जो भारतीय संविधान में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आर्टिकल 370 में लिखा हुआ है द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोमेटिकली डू नॉट अप्लाई ऑन जम्मू एंड कश्मीर। भारतीय संविधान के जो प्रोविजंस हैं वो जम्मू एंड कश्मीर पर ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होंगे। अगर भारतीय संविधान के कुछ प्रोविजंस को या कुछ जो संविधान संशोधन है इनको जम्मू एंड कश्मीर में लागू करने की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की जरूरत होगी। और ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की जरूरत डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन के मामले में नहीं होगी, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करते हुए ये बात क्लियर हो गई थी कि ये तीन मामले केंद्र सरकार के पास ही रहेंगे। और जो दूसरे मामले होंगे उन दूसरे मामलों को अगर विस्तार दिया जाना है जम्मू एंड कश्मीर पर तो राज्य सरकार से कंसल्टेशन की आवश्यकता होगी। आगे बात की जा रही है कि 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो आया ये बिल्कुल जो प्रोसीड्यूरल्स नॉर्म्स थे, जो नियम कानून थे, उन नियम कानूनों के बिल्कुल अनुरूप आया। ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 में आया, जम्मू एंड कश्मीर की सरकार की कॉन्फ्रेंस से आया, सहमति से आया। और इसके बाद ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उस समय 1954 में जो जम्मू एंड कश्मीर की संविधान सभा थी, उस संविधान सभा ने इसको रेक्टिफाई भी किया। चूंकि 52 से 57 के बीच कार्यकाल है जम्मू कश्मीर संविधान सभा का, तो उसी बीच का कार्यकाल है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का, इसको जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने रेक्टिफाई किया। आगे बात की जा रही कि 1957 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का डिसॉल्यूशन हो जाता है, उसका वो डिसॉल्व हो जाती है। इसके बाद धीरे धीरे समय समय पर लगभग ऐसे ही 40 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आए और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जम्मू कश्मीर की संविधान पर जो प्रोविजंस थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस थे उनका जम्मू एंड कश्मीर के प्रोविजंस पर एक्सटेंड कर दिया गया। बात की जा रही कि विभिन्न परिस्थितियों के मद्देनजर जो ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाए गए, इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में अनुच्छेद 370 को आघात पहुंचाया। कहा जा रहा है कि जो क्रमिक 1950 के बाद क्रमिक रूप से ये प्रेसिडेंशियल आए और इन 1950 के बाद क्रमिक रूप से ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आए, इन्होंने जो
प्रोसीजर्स नॉर्म्स थे, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाने के जो नॉर्म्स थे, उनको उन नियमों को, उन नियम कानूनों को ताक पे रख दिया गया। उन नियम कानूनों को ताक पे रखकर उन नॉर्म्स को डायल्यूट करते हुए ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाए गए। कि जब आगे बात की जा रही है कि जब एक डिसोल्यूशन का बड़ा मामला आया, कहा गया कि जो ये आर्टिकल 370 पर जो आघात किया गया, इसको डायल्यूट किया गया, इसको कई स्तरों पर डायल्यूट किया गया। उसका स्तर बता रहे हैं कि जब 1986 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया, तो यह प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाया गया भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 249 है, अनुच्छेद 249 को जम्मू एंड कश्मीर पर एक्सटेंड कर लिया गया। अनुच्छेद 249 को जम्मू एंड कश्मीर पर लागू करने के लिए यह प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाया गया कि अब अनुच्छेद 249 भी जम्मू एंड कश्मीर के मामले में लागू होगा। अनुच्छेद 249 कहता क्या है? अनुच्छेद 249 ये कहता है कि राष्ट्रहित में अगर ऐसी जरूरत होती है, कि राष्ट्रहित में ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है कि राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र सरकार को कानून बनाने की आवश्यकता है, अगर ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तब राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पारित करेगी और यह रेजोल्यूशन प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 के प्रावधान से, 2/3 के बहुमत से राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पारित करेगी। इसके बाद के संसद को राज्य सूची के उस विषय पर कानून बनाने की अनुमति प्राप्त हो जाएगी। राज्यसभा के रेजोल्यूशन से कानून नहीं बनेगा, राज्यसभा जब रेजोल्यूशन पारित कर देगी तब संसद को यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों को उस पे उस राज सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति हासिल हो जाएगी। कहा गया जब ये 1986 का जो ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया, तो ये इसके माध्यम से अनुच्छेद 249 को एक्सटेंड कर दिया गया जम्मू एंड कश्मीर पर। कि प्रेसिडेंशियल जो ऑर्डर था, वो ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, ये द कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट गौर विकास, जो भी ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आए 1957 के बाद, ये राज्य सरकार की अनुमति से आए, राज्य सरकार की सहमति से आए, क्योंकि 1957 के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसका डिसोल्यूशन हो चुका था। आगे बात की जा रही है कि जो ये बार बार प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आ रहे थे, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार क्रिटिसाइज किया था कि इससे 370 का जो है डायल्यूशन हो रहा है, इससे 370 का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 370 डायल्यूट हो रहा है। सेकेंड लेवल की बात की जा रही है कि दूसरे लेवल पे किस तरीके से आर्टिकल 370 को डायल्यूट किया गया। कहा गया जब आर्टिकल 249 को जम्मू एंड कश्मीर पर एक्सटेंड करने के लिए 1986 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आता है, जब ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आता है उस समय राज्य में गवर्नर का शासन था, और ये गवर्नर का शासन जम्मू एंड कश्मीर की संविधान की आर्टिकल 92 के तहत वहां पर गवर्नर का शासन लगा हुआ था। कहता कि अकॉर्डिंग टू जो नियम के अनुसार, प्रावधान के अनुसार, कि बिना इलेक्टेड मंत्रिपरिषद के, बिना चुनी हुई सरकार के मंत्रिपरिषद के, गवर्नर जो है वो राष्ट्रपति को सहमति नहीं देंगे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाने के लिए। लेकिन फिर भी गवर्नर ने ऐसा किया। कहा गया कि एक दूसरे लेवल का डायल्यूशन था, जिसमें कि आर्टिकल 70 को डायल्यूट किया गया, गवर्नर ने बिना मंत्रिपरिषद के, चुनी हुई मंत्रिपरिषद के, बिना राष्ट्रपति को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकालने की सहमति दी। कह रहे हैं कि गवर्नर जो है वो केंद्र सरकार का एक अनइलेक्टेड प्रतिनिधि होता है। और कहा गया कि 1986 में ये अनुच्छेद 249 को लेकर ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था, इसको भी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, मामला अब भी पेंडिंग में है।
कहा गया कि 2019 में जो अभी 1 मार्च को संविधान संशोधन 17वां और संविधान संशोधन 103वें को लेकर जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया है, ये अनुच्छेद 370 पर एक अंतिम आघात कर दिया गया। जो कुछ रहा बचा था वो भी पूरा कर दिया गया। और दिसंबर 2018 में राष्ट्रपति ने ये क्लियर कर दिया, राष्ट्रपति के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से क्लियर कर दिया गया कि ऑल फंक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नर्स अंडर आर्टिकल 356 की जो भी राज्य सरकार की और गवर्नर की एक्टिविटी है इस समय वो अनुच्छेद 356 के राज्य आपातकाल के अंतर्गत चल रही हैं। और कहा गया कि राष्ट्रपति की सारी पावर्स जो हैं राष्ट्रपति के सुप्रिंटेंडेंस में, उनके नियंत्रण में, निर्देशन में गवर्नर के पास हैं। गवर्नर के पास जो पावर है वो राष्ट्रपति की सारी पावर्स राष्ट्रपति के नियंत्रण में, निर्देशन में, सुप्रिंटेंडेंस में गवर्नर के पास हैं। आगे बात की जा रही है कि यही सबसे बड़ा अंतर है 1986 के जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था और 2019 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में। एक बहुत बड़ा अंतर यह पैदा हुआ कि 1986 में भले ही नियम कानून को, प्रोसीड्यूरल जो नॉर्म्स थे उनको ताक पर रखा गया, लेकिन कम से कम पेपर पर तो, डॉक्यूमेंट्स पर तो, नियम में तो एक इंडिपेंडेंट गवर्नर काम कर रहा था। लेकिन 2019 के जो ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया है इसमें गवर्नर को एक केंद्र सरकार का ऐसा प्रतिनिधि बना दिया गया जो कि केंद्र सरकार की एड एंड एडवाइस पर कार्य करेगा, वही कार्य करेगा जो केंद्र सरकार उससे एक्सपेक्ट करेगी। तो गवर्नर की सलाह पर एक प्रेसिडेंशियल की वहां पर राष्ट्रपति शासन है, चुनी हुई सरकार है नहीं, इलेक्टेड मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स है नहीं, और केवल गवर्नर की सलाह पर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाना केंद्र सरकार केवल और केवल अनुच्छेद 370 का मजाक उड़ा रही है, इसका उपहास उड़ा रही है। और आगे बात की जा रही है कि ये जो कदम है बार बार प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाना, ये संविधान के फेडरलिज्म के ढांचे के खिलाफ है, संविधान के संघवाद के सिद्धांत के खिलाफ है, जो कि फेडरलिज्म जो है, संघवाद जो है, वो संविधान का मेन ढांचा है, जिसको बोलते हैं द बेसिक थ्योरी, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संघवाद जो है संविधान का मूल ढांचा है, तो ये बार बार प्रेसिडेंशियल ऑर्डर संविधान के मूल ढांचे के ही खिलाफ है। कहा है कि जो प्रेसिडेंट रूल संविधान में सारी शक्तियां बटी हुई हैं कि केंद्र का विषय क्या है, राज्य का विषय क्या है, सबके अपने अलग अलग दायरे स्पष्ट हैं, सबको अलग अलग विषय पर कानून बनाने की शक्ति का बंटवारा स्पष्ट लिखा हुआ है, केवल प्रेसिडेंट रूल इसका अपवाद है। राष्ट्रपति शासन या आपातकाल में लगाया गया राष्ट्रपति शासन ही अपवाद है। जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो ऐसी स्थिति में एक राष्ट्रपति शासन एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के रूप में काम करता है। कह रहा कि आपातकाल का समय, जब वहां पे आपातकाल लगा हुआ जम्मू कश्मीर में, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाना संदेह पैदा करता है कि आखिर केंद्र सरकार करना क्या चाहती है, केंद्र सरकार की इंटेंशन क्या है। सॉरी। और आगे बात की जा रही है कि ये संदेह इतना ही नहीं है, इस बात में भी संदेह है कि अगर केंद्र सरकार की इंटेंशन लेजिटिमेट होती, अगर केंद्र सरकार की इंटेंशन जो है वैधानिक होती, तो केंद्र सरकार वेट करती, वेट एंड वॉच की पॉलिसी फॉलो करती, और जब तक राज्य में सरकार का गठन नहीं हो जाता, नई सरकार चुन के नहीं आ जाती, तब तक केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती। आखिर ये सरकार जल्दबाजी क्यों दिखा रही है, इसके इंटेंशन पे लेकर डाउट है। कहा जा रहा है कि 2019 का जो ये ऑर्डर है पॉलिटिकल रूप से और पॉलिटिकल मॉरलिटी से या कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी में, जिसको बोलते हैं राजनीतिक नैतिकता या संवैधानिक नैतिकता, दोनों को ही ये ध्वस्त करता है। आगे एक बड़ी अच्छी बात की जा रही है कि सरकारिया कमीशन 1986 में सुप्रीम कोर्ट के जज थे, सेवानिवृत्त जज थे, आर्य सरकारिया, राजेंद्र सिंह सरकारिया, इनकी अध्यक्षता में एक
आयोग का गठन किया गया था कि केंद्र राज्य को लेकर जो झगड़े होते रहते हैं इसको लेकर कुछ सिफारिशें दी जाएं, तो एक लंबी लिस्ट दी गई, 100 से ज्यादा सिफारिशें की गई। आर्य सरकारिया कमीशन ने कहा था कि कोई एक्शन अगर लीगली परमिसिबल है, कोई एक्शन ऐसा है जो कानूनी रूप से सही है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो पॉलिटिकल रूप से भी सही है। हमें कहने का मतलब है कि कोई प्रोविजन है, कोई काम है, वो तकनीकी रूप से सही हो सकता है, कानूनी रूप से उसको गलत नहीं कहा जा सकता है, फिर भी हमें उसको जो दूसरे स्टैंडर्ड्स हैं, पॉलिटिकल है, एथिकल है, सारे पैमाने पे चेक करना है। जिसको सामान्य भाषा में बोलते हैं कि बाल की जब खाल निकाली जाती है तो समस्या पैदा होती है। तो वही बात किया सरकारिया कमीशन ने कि कोई एक्शन है लीगली परमिसिबल है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पॉलिटिकल भी उचित हो, तो इसको हमें ध्यान में रखा जाना चाहिए। लास्ट में इसके कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि जो रिसेंट में अभी 1 मार्च को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया, वो न केवल फेडरलिज्म के खिलाफ है, अनुच्छेद 370 की भावना का, अनुच्छेद 370 की आत्मा के खिलाफ है, उसका उल्लंघन करता है ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, न केवल फेडरलिज्म के खिलाफ है, अनुच्छेद 370 की भावना का भी उल्लंघन करता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है। तो ये अनुच्छेद 370 के समर्थन में ये आर्टिकल लिखा गया है। इसका एक काउंटर तर्क भी है, जो लोग बोलते हैं इसको समाप्त कर देना चाहिए, उसका अपना का एक काउंटर तर्क है, किसी दूसरे वीडियो में हम उसके पक्ष में बात करेंगे कि अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के पक्ष में क्या क्या आर्गुमेंट दिए गए हैं। ये अनुच्छेद 370 के समर्थन में आर्टिकल लिखा गया है, रिसर्च स्कॉलर के द्वारा लिखा गया है। तो इस आर्टिकल में इतना ही, द हिंदू का ये आर्टिकल था, इस डिस्कशन में इतना ही। नेक्स्ट डिस्कशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, जुड़े रहिए आप आईएएस कॉर्नर के साथ। आईएएस कॉर्नर ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।